नमस्कार, कुक एंड लर्न विद मृदुला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि स्टार्च निकालकर चावल कैसे बनाए जाते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 गिलास वनस्पति चावल लेंगे। इनको हमने धोना है 3-4 बार अच्छी तरह। इसमें डालने के लिए हमने लिए हैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1 मोटी इलायची, 2 लौंग, 1 तेज पत्ता, 1 स्पून नमक और 1 स्पून जीरा। मसल मसल कर चावलों को धो लेंगे अच्छी तरह। जो ये सफ़ेद भी है इसके चावलों के ऊपर की पॉलिश, ये सारी उतर जाए। एक बार और धोएंगे इसको, 3-4 बार धो लेंगे अच्छी तरह, जब तक पानी साफ ना निकल आए। चावल 10 मिनट तक पानी में इसी तरह भिगो लेंगे ताकि ये जल्दी गल जाए। गैस पर पतीला रखेंगे, एक कोई भी मेटल का, और इसमें जितने चावल हैं उससे 4 गुना पानी और आधा गिलास ज़्यादा। 1 गिलास है तो 4 गिलास पानी। बॉईल कर लेंगे, पानी हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 सर्विंग स्पून ऑयल, तेज पत्ता, मोटी इलायची और 2 लौंग, और इसके साथ ही ये 1 स्पून नमक, जीरा। पानी को बॉईल होने तक हम ढक्कर रख देंगे और फिर इसमें चावल ऐड करेंगे। देखिए पानी बॉईल हो चुका है पूरी तरह, और अब हम इसमें डालेंगे ये भीगे हुए चावल। एक चावल का कण हम उठा के देखेंगे, ये देखो नाखून से कट रहा है, इसका मतलब कि चावल हमारे पूरी तरह से भीग चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह बन जाएंगे, जल्दी गल जाएंगे। सारे चावलों को पानी के अंदर डाल देंगे। पानी को बॉईल होने में हमने तेज फ्लेम पे किया इसको गरम, 5 मिनट लगे हैं बॉईल होने में। एक बॉईल आ जाए उसके बाद हम इसको ढककर रखेंगे और आंच को मीडियम कर देंगे। पानी में एक बॉईल उबाल आ चुका है, अब गैस को सिम कर देंगे और इसे ढककर रख देंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखेंगे कि चावल गल चुके हैं या नहीं। एक चावल निकाल के देखेंगे, देखिए चावल पूरी तरह से गल चुके हैं। इनको गलने में सिर्फ 10 से 12 मिनट ही लगते हैं। गैस को बंद कर देंगे और इन्हें हम एक छलनी में पलट देंगे। छलनी चाहे आपके पास कोई भी है घर में, उससे ये पानी पूरी तरह से छन जाए। निकाल कर चावल कैसे बनाते हैं ये आपने देखा। ये पानी सारा नीचे ड्रेन हो जाएगा। जिसमें हमने पानी ड्रेन करना है वो पतीला थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, वरना नीचे से ये उसमें डूब जाएंगे तो चावल ज्यादा गल जाएंगे। ये आप देखिए, ये सारा पानी इसमें से निकल चुका है। चावल पूरी तरह से छन चुके हैं, अब हम इसे उसी पतीले में निकाल लेंगे जिसमें हमने इन्हें बनाया था, और इसे हम उस गैस पर रखेंगे जिसे जो ठंडी है, वरना नीचे से चावल तली में फिर लग जाएंगे। देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं, एक एक दाना खिला हुआ है चावल का। आप चाहें तो इनका पुलाव भी बना सकते हैं उसमें सब्जियां ऐड करके। चावलों का स्वाद अधिक बढ़ाने के लिए अगर आपको पसंद है तो इसमें ऊपर से 1 चम्मच देसी घी का मिलाकर इसे थोड़ा सा कवर कर दें। पूरा कवर ना करें, आधा कवर कर दें। पूरा कवर करने से
भाप से ये ज्यादा गल जाएंगे। लौंग और इलायची आप चाहें तो इसमें से निकाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो इसमें डली रहने दें। अब चावलों को मैं सर्विंग बॉल में शिफ्ट कर रही हूँ। इन्हें आप किसी भी चीज़ के साथ, कढ़ी के साथ, राजमा के साथ, चनों के साथ खा सकते हैं। देखिए मांड निकाल कर चावल पूरी तरह से